देश दुनिया को राह दिखाने वाला बिहार हमेशा ही बदलाव का अगुआ रहा है। सियासत से लेकर कला विज्ञान की दुनिया में बिहार नई इबारत लिख रहा है। चंद्रगुप्त, चाणक्य और बुद्ध से ही नहीं, बल्कि बिहार आज अपनी नई प्रतिभाओं से भी परिभाषित हो रहा है। दुनिया ने माना है कि बिहारियों में है दम। महावीर कैंसर संस्थान को 10 वर्षों में एक मानक कैंसर केंद्र बनाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह। दिसंबर 1998 को बिहार की राजधानी पटना में कैंसर रोगियों के उपचार हेतु महावीर संस्थान ट्रस्ट के द्वारा पटना के फुलवारी शरीफ में महावीर कैंसर संस्थान की स्थापना की गई। बिहार में कैंसर अस्पताल की स्थापना तब की गई जब बिहार और इसके पड़ोसी राज्यों में इस लाइलाज बीमारी के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस संस्थान की स्थापना से प्रदेश एवं उसके आसपास के राज्यों के मरीजों को एक ही जगह पर कम पैसे में ही बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सका। महावीर कैंसर संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को सुलभ बनाना है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह का जन्म 6 जुलाई 1952 को हुआ था। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने सन 1975 में MBBS की डिग्री पटना मेडिकल कॉलेज पटना से प्राप्त की। सन 1980 में इन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज से रेडियोथेरेपी में MD एवं 2009 में IIBM पटना से MBA की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर सिंह डिपार्टमेंट ऑफ रेडियम इंस्टीट्यूट PMCH पटना के सीनियर फैकल्टी मेंबर के रूप में सन 1986 से 2000 तक रहे। DMCH की ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में 2000 से 2001 तक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने कार्य किया। डॉक्टर सिंह ने न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में कैंसर के प्रति एक मुहिम चलाने का अभियान शुरू कर रखा है। इसका फल पूरे देश में देखने को मिल रहा है। रिसर्च के क्षेत्र में उन्हें बहुत सारी उल्लेखनीय सफलताएं मिली हैं। कैंसर के क्षेत्र में सबसे बड़ा एसोसिएशन इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑन्कोलॉजी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन इंडिया के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कैंसर से संबंधित 11 प्रोजेक्ट इनकी अध्यक्षता में महावीर कैंसर संस्थान में चल रही है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह को ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं सेवा के लिए महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा 22 मार्च 1912 को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जिससे इस संस्था की गरिमा और भी बढ़ गई है। महावीर कैंसर संस्थान में न सिर्फ कैंसर रोगियों का पूर्ण रूप से इलाज किया जाता है बल्कि यहाँ पर इस रोग से जुड़े शोध भी किए जाते हैं। पिछले 4 वर्षों में इस संस्थान में 23,000 से ज्यादा नए मरीज आए हैं, जिसमें 15% मरीज बिहार के आसपास के राज्यों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम एवं झारखंड से आए हैं। यह संस्थान कैंसर रोगियों के लिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान है, जिसमें 350 बेड की सुविधा उपलब्ध है।
इस संस्थान में रोगियों की सुविधा के लिए संस्थान का अपना ब्लड बैंक भी खोला गया है। बिहार के बाहर से आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए महावीर कैंसर संस्थान के द्वारा रेलवे स्टेशन से संस्थान तक आवागमन की भी व्यवस्था की गई है।